होने वाली है भारत में मुझे ऐसा लगता है कि अगले छह से बारह महीने इज अ वेट एंड अंड बहुत लोगों ने पैसा सारा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाल दिया जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम है कि यार देर इज नो सेफ्टी नेट फॉर द पीपल हम थोड़ा सा फोमो में चले गए कि यार मुझे लोगों ने फटाफट पैसा बनाया मुझे भी पैसा बना लाइक like, मुझे याद है जब मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला था और जब क्रिप्टो ग्रो नहीं कर रहा था दिमाग में बस पूरा टाइम वही चल रहा था कि यार ये पैसा डूब जाएगा जाए आप कौन से रिस्क आज हर किसी को फरारी लेनी है लेनी पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का वेव चल रहा था का वेव चल रहा था यूट्यूब पर हर कोई ये सिखा रहा है कि पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करे पर कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि पैसों को कमाए कैसे वो एक पूरी तरह से अलग स्किल होती है दो ये थोड़ा सरफेस लेवल पे है सारा अवेयरनेस डेप्थ में कोई जाता नहीं है बताता नहीं है ये एक बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन भी है पर ये एक खतरनाक कॉन्वर्सेशन भी है हाँ दुनिया भर लोग पैसों के बारे में सीख रहे हैं भारत पैसों के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है पिछले चार सालों में फिनफ्लुएंसर्स वेव की वजह से जो पैसों से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पर निकल के आ रहा है उस वेव की वजह से फाइनेंशियल एडुकेशन छा चुकी है पर कुछ कोर फाइनेंशियल रूल्स होते हैं लाइफ के ये वाला पॉडकास्ट आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होगी फिक्स डिपॉजिट्स की जो एक बहुत ही तगड़ा सिक्योर और डिपेंडेबल फाइनेंशियल टूल होता है आपके पर्सनल फाइनेंस के जर्नी में ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं यहां ठीक है पर अगर आसपास के लोगों से जब आप बात करोगे और आप किसी से भी फाइनेंशियल एडवाइस लोगे ना बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट्स रिकमेंड करेंगे ये क्यों होता है ये क्यों नहीं होता है कुछ कुछ लोग जो फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बात करते हैं इसके अगेंस्ट क्यों बात करते हैं इन सारी चीजों को आज जानेंगे हम और आप मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ देखें ताकि फैमिली साथ में फाइनेंशियल एडुकेशन प्राप्त कर सके आज के गेस्ट सौरभ जैन फाउंडर है स्टेबल मनी के जो इसी फिक्स डिपॉजिट्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है प्लीज बैठकर नोट्स लेकर बहुत कुछ जानिए आज के जबरदस्त यास एपिसोड में दो हजार उन्नीस में प्रॉब्लम यह थी कि भारत को पैसों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था पर्सनल फाइनेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था फिर चार सालों में फिनफ्लुएंसर्स की वजह से फाइनेंशियल एडुकेशन की वजह से लोगों को अब ज्यादा पता है एंड आई फील की माहौल थोड़ा डेंजरस बन चुका है सौरभ जैन भाई कैसे हो <laughs> बहुत बढ़िया रणवीर थैंक यू सो मच आई एम सुपर एक्साइटेड हाँ आई थॉट यू राइट पर्सन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन मैं चाहता हूँ कि लोग अपने फैमिली के साथ बैठकर ये वाली कॉन्वर्सेशन आराम से yeah, सुने. Yeah. पहले ये बताइए कि जो मैंने अब कहा ये सच है कि गलत है नहीं नहीं बिल्कुल सच है आई थिंक मनी वो चीज़ है जो एक ग्लू की तरह है जो फैमिली को बिल्कुल बैलेंस रखती है और मुझे लगता है वो कही कहीं ना कहीं पिछले चार पाँच सालों में बैलेंस छूट रहा है एंड लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर फेसिंग दोज चैलेंजेस इन लास्ट थ्री फोर ईयर्स मतलब ग्लू दैट कीव फैमिलीज टूगेदर इसका मतलब क्या है मुझे लगता है कि पैसा वो चीज़ है जो थोड़ा सा कम्फर्ट देता है फॉर पीपल जो कुछ और चीजों के बारे में सोच पाते हैं राइट और अगर वहां पर प्रॉब्लम हो देन पीपल आर नॉट एबल टू थिंक तो वो लोग बाकी अपने पर्सनल हेल्थ प्रोफेशनल करियर इन सारी चीजों के बारे में सोच नहीं पाते हैं सो मनी वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है दैट हैज टू बी इन प्लेस सो दैट आप अपने करियर में रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओ hmm. एक बेस लेवल रिक्वायरमेंट होती है बहुत ओके yeah. okay? मैं ये मानता हूं कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट या अगर एक इंसान जिनकी उम्र पचास से ज्यादा है अगर उन्हें पैसों के बारे में सीखना है तो उन्हें एडवाइस लेनी चाहिए आप जैसे लोगों से राइट right. जो फाइनेंस में भी काम कर रहे हैं जिनकी एज थर्टीज़ की है या फोर्टीज की है क्योंकि थर्टीज और फोर्टीज वो फेज होता है लाइफ का जहाँ आप बहुत इंफॉर्म्ड रहते हो दुनिया के बारे में राइट right. एंड थर्टीज के पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती बिल्कुल आई जस्ट टर्न थर्टी अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए रहती है मैं यूजली मेरे एज के लोगों से बात करता हूँ राइट right. आप मेरे से पाँच साल बड़े हो राइट यू आर द आइडियल पर्सन टू टीच मी ऑल्सो राइट एंड यू आर द आइडियल पर्सन टू टीच कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स राइट right. तो पहले ये बताइए कि आज के जमाने में पर्सनल फाइनेंस ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए आई थिंक पर्सनल फाइनेंस में मुझे लगता है कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है बाकी लोगों से hmm. आपको थोड़ा सा पेशेंट होना है बाकी लोगों से और थोड़ा सा लक चाहिए आई थिंक ये तीन चीजें बहुत क्रिटिकल uh, है और हम तीनों चीजों में आते हैं बट मुझे लगता है एक चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है पिछले चार सालों में इज पिछले चार सालों में क्रिप्टो छोड़ दें अगर हम तो बाकी सारे एसेट्स में लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है और बहुत जल्दी बनाया है जैसे कि जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड पिछले चार साल में इंडियन मार्केट्स ऐसे रहे हैं चार पाँच सालों में कि आप कभी भी पैसा डालो वो पैसा बढ़ रहा था और इसकी वजह से लोगों को लगता है कि दे आर स्मार्टर और कॉन्फिडेंस आ गया बट एबिलिटी नहीं है तो पैसे इतने जल्दी मल्टीप्लाई हुए कैसे या सो मार्केट ही ग्रो कर रहा था आई थिंक इंडियन मार्केट ओवरऑल जो फाइनेंशियल पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा था उस वजह से इंडियन मार्केट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट भाई इसका मतलब क्या है मार्केट ग्रो कर रहा था मतलब क्या मतलब फॉर एग्जांपल जो भी इन uh, जो भी सारा पैसा है इंडियन पीपल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज हैपनिंग लोग बोलते हैं जहां पर जो सारा पैसा रियल इस्टेट में था जो पैसा गोल्ड में था जो लगभग नब्बे प्रतिशत पैसा था जो रियल इस्टेट और गोल्ड फिजिकल एसेट्स में था वो सारा पैसा धीरे धीरे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स बैंकों में आने लगा है कैश की जगह पे मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ने मोस्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करी गोल्ड right. की इन्वेस्टमेंट्स करी राइट right. फिर जब बच्चों के पास वो कंट्रोल आ गया तो बच्चों ने स्टॉक मार्केट में डाल दिया करेक्ट yeah. राइट और, और कुछ कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जनरेशन भी अभी रियलाइज करने लगी कि ये पैसा अभी थोड़ा थोड़ा सेव करना है लॉर्ड ऑफ दैट मनी हैज टू गो इन टू बैंक स्टॉक्स म्यूचुअल फंडस ऐसी वाली जगहों पर जो पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में अटका था ओके okay, अभी बताइए राइट सो ये वाली चीजें होने लगी uh, बाहर के दुनिया के लोग इंडियन मार्केट्स को एज अ पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ देखने लगे तो वो पैसा इंडिया में काफी आने लगा तो इसके वजह से आई थिंक लोगों जो ग्रोथ चार पाँच सालों में धीरे धीरे होनी थी दैट ग्रोथ हैज़ हैपन्ड वेरी फास्ट इन लास्ट थ्री फोर ईयर्स राइट और इसकी वजह से जो हम जैसे लोग हैं जो इन्फ्लुंसर्स uh, के वजह से स्टॉक मार्केट में कहीं भी पैसा डालने लगे वो पैसा बढ़ने लगा राइट right? और हमें ऐसा लगने लगा कि हमें आता है बिकॉज हमने कभी भी पैसा डाला वो पैसा बढ़ा बट अगर आप पिछले एक डेढ़ साल दो साल के बाद देखोगे तब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट ट्रू ठीक है अब वो स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे जिस जिस एस्पिरेशन से आपने पैसे डाले थे बहुत सी जगहों पे पैसे लूज हो रहे हैं राइट right? बहुत लोगों ने पैसा सारा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाल दिया जिसके वजह से अब प्रॉब्लम है कि यार देर इज नो सेफ्टी नेट फॉर द पीपल राइट सो आई थिंक दैट इज़ द वरी दैट आई सी राइट नाउ एंड विथ विच वी स्टार्टड दिस मतलब जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स होते थे हमारे पापा मम्मी के जनरेशन में रियल एस्टेट गोल्ड सिल्वर fd जो सेफ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं बॉन्ड्स वुड यू से या बॉन्ड्स वो एकदम प्रेडिक्टेबल होते थे राइट right. अभी दुनिया थोड़ी सी रिस्की बन गई right. रिस्क है तो इश्क वालीमेंट डायरेक्ट right. <laughs> उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दिए right. थोड़े से वोलेटाइल एसेट्स में पैसे डाल दिए right. पर हम पिछले 4 सालों की बात कर रहे हैं right. अगर आप एक्चुअली चालीस सालों को स्कैन करोगे तो ऐसे फेजेस आए हैं जहां मार्केट को ग्रोथ मिली है 100%. पर ग्रोथ फेजेस के बाद डाउन फेजेस भी आते हैं so सो ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी है हर पाँच छः साल में लोग भूल जाते हैं कि हर पाँच छः साल में एक रिसेशन आता है ये दुनिया भर होता है ये हर जगह होता है राइट और आप भी देखो हर पाँच छः सात साल एक साल यहां वहां बट हर बार ये साइकिल आएगा और इकोनॉमी साइकिल होता है काफी बट हम उसको जब प्रेडिक्ट करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन की तरफ प्रेडिक्ट करते हैं और वो सबसे बड़ी गलती है राइट और इंडिया में मुझे ऐसे लगता है कि आज ये प्रॉब्लम इतना बड़ा इसीलिए है बिकॉज सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोग पिछले चार या पाँच सालों में ही फाइनेंशियल इसमें आए पहले बहुत कम सुनने मिलता था कि आपकी जॉब लगी पहला पैसा आया और आप इन्वेस्टमेंट करने लगे ये सब नहीं होता था राइट आप गिफ्ट लेते थे फैमिली के लिए थोड़ा बचाते थे बाकी की कुछ चीज़ें ये वो ये वो ओवर टाइम आप विथ एज आर पेरेंट्स वो धीरे धीरे सेव करने लगते थे राइट आज पहले जॉब के साथ करने लगे हैं राइट एंड आइडियली पैसा मूव होता है सेफर एसेट्स से रिस्किर एसेट्स मतलब मतलब जनरली यू स्टार्ट सेविंग एफ कुछ कैश कुछ गोल्ड और फिर धीरे धीरे आप आपका अलॉकेशन रिस्कियर एसेट में बढ़ाते हो दैट्स हाउ इट्स द आइडियल वे ऑफ डूइंग थिंग्स अभी ऐसे हो रहा है कि सारा पैसा डेवन से रिस्क एसेट्स में है। क्यों बिकॉज लोगों को लगता है कि वही रिस्क है तो इश्क है वाला पॉइंट राइट right? चार पांच सालों में पैसे बढ़ गया तो वो यू टेस्ट दैट ब्लड और अभी आपको वही करना है बार बार राइट एंड यू हैवेंट सीन अ डाउन साइकिल आज पिछले छह महीने एक साल में और मे बी अगला छ महीना एक साल भी ऐसा ही होगा जहां पे लोगों को पहली बार रियलाइज होगा कि नॉट एवरी टाइम पैसा विल ग्रो और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अलग होना चाहिए एंड अभी मुझे लगता है कि फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिफरेंट टाइम होराइजन के लोग एक दूसरे से बात करते हैं सो दैट्स वाई यू सी घर पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी क्लैशेस है बिकॉज उनके टाइम पे जो था मेथड और आज जो मेथड फॉलो हो रहा है उसमें डिफरेंस है एंड आई आई एम नॉट सेइंग कि दोनों सही है या दोनों गलत है बट अभी के टाइम पे एक मिडल ग्राउंड बहुत ज़रूरी है राइट right? जिसके लिए टॉप वन पर्सेंट जो इंडिया के लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास वेल्थ एडवाइज़र है बताने के लिए आपके और मेरे जैसे के पास कोई है नहीं बताने के लिए एंड मे बी सम ऑफ अस कैन मेक दैट मिस्टेक लर्न बट बहुत सारे लोग वो मिस्टेक करने का अफोर्ड नहीं कर सकते राइट सो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम ओके ये मिडिल ग्राउंड के बारे में बात करते हैं पहले ये बताइए कि पापा मम्मी की मैंटालिटी क्या है पापा मम्मी की जनरेशन की मैंटालिटी क्या है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और आज के जेन जेनजीज की मैंटालिटी क्या है और फिर हम एक मिडिल स्ट्रेटी भी क्रिएट करते हैं अभी क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन भी है पर ये एक खतरनाक कॉन्वर्सेशन भी है हाँ. घर टूट सकते हैं गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से राइट right. तो एट uh, आवे मान लो आपके घर के लिए या मेरे घर के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होती राइट right. तो ड्रॉ आउट ऑल थ्री केसेस केस ए पेरेंट्स केस बी जेनजी केस सी मिडिल ग्राउंड राइट तो मैं अपनी केस बताता हूँ जी मेरे पेरेंट्स हैव स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम डे वन पैसा बैंक अकाउंट में होता था उसमें से जो भी मंथली खर्चा हुआ उसके बाद बचा हुआ पैसा एफ में जाता था कोई डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड्स होते नहीं थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है राइट हर चीज़ों की प्लानिंग होती थी चार या पाँच साल पहले राइट कि मुझे टी लेना है कार लेनी है घर लेना है पाँच दस पंद्रह साल पहले की प्लानिंग होती थी और उसके लिए बहुत सेविंग्स होती थी लोन लेना अपने पेरेंट्स के टाइम पे वाज अ थिंग कि यार इट्स इट वॉज लुकड अप लुक डाउन कि यार आप लोन क्यों ले रहे हो राइट दैट वॉज द केस और लोगों ने धीरे धीरे ग्रेजुअली पैसा बढ़ाया एंड देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन टू हाउस फिर थोड़ा एक घर बनाया कार बनाई डिस्क्रिशनरी स्पेंड हुआ है दैट्स हाउ द लास्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स दैट आई हैव सीन माई पेरेंट्स डूइंग इंटरेस्ट रेट्स और एफ डी के रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उनके लिए बिकॉज वो एक ही इंस्ट्रूमेंट था जहाँ पर आप डालते हो आगे बढ़ने से पहले झट से समझा दीजिए टीनेजर्स के लिए एफडी होता क्या एफ डी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया जिसने टाइम का पूरा टेस्ट पास किया है जो 40, 50, 60 सालों से इंडिया में एग्जिस्ट करता है इंडिया का फेवरेट एसेट क्लास है जहां पर आप जब पैसा डालते हो वो पैसा बैंकों में होता है विचार आर बी आई गवर्न तो हंड्रेड सेफ होता है और हर बैंक में अप टू फाइव लाख रुपीज इंश्योर होता है तो अगर कभी खुदा ना खास्ता बैंक डूब जाती है तो आपका पांच लाख रुपए आपको आरबीआई वापस करता है और यहां पर एक इंटरेस्ट रेट होता है कि यार आपको हम एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट देंगे भले ही मार्केट कहीं पर भी हो इंडिया की इकोनॉमी भी कहीं पर भी हो कोई भी हालत हो बैंक की इतना पैसा तो आपको गारंटीड मिलेगा सो वो एफ होता है ओके सेविंग्स अकाउंट और इसमें फर्क क्या है सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है आपका इन बहुत कम होता है सेविंग्स अकाउंट का पैसा आप कभी भी यूज़ कर सकते हो एफडी का पैसा लॉक होता है कुछ टाइम के लिए मतलब आप बैंक को कह रहे हो कि दो साल के लिए मेरे पैसे को रखो रखो और बैंक उसको लेता है दो साल के रखता है एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है और फिर वो उसको आगे लोन की तरह देता है जिससे बैंक पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसा वो आपको देता है ओके मतलब एक कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो बैंक के साथ आप पैसे दे रहे हो बैंक को राइट right. ठीक है और दो साल बाद या तीन साल बाद जो भी वो पैसों को लेकर लोन देती है राइट right. right. ये बैंक का एक सर्विस है राइट right. तो इस सर्विस में से बैंक को पैसा मिला आपके थ्रूट right. और फिर अलग अलग सर्विसेज होते हैं जैसे की लोन एक्सेट्रा राइट और उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट बैंक कमाती है वो इंटरेस्ट को आपके साथ शेयर करती बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल वो होता था पेरेंट्स के टाइम पे। जी हमारे टाइम पे, आई थिंक जनरेशन का ये भी एक चीज़ आ गई है कि एक सेफ्टी एसेट्स पेरेंट्स ने बना रखा है आप अठारह उन्नीस बीस साल से कमाने लग गए हो सैलरीज आर मच हायर आपके बेसिक नीड्स सारे कवर है बिकॉज पेरेंट्स ने कवर कर रखे है और आ, आ, डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया है तो जिसकी वजह से रिस्किर एसेट्स में विच इज़ रिस्कियर दैन बैंक अकाउंट्स रिस्कियर दैन एफ जो माने जाते हैं वो हम करने लग गए फ्रॉम डे वन राइट सो मेरे पहले सैलरी से मुझे याद है कि मैंने स्टॉक्स ख़रीदने लग गया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक डिफरेंट कि यार जो पेरेंट्स करते थे वो बहुत बोरिंग चीज़ है राइट right? मैं कुछ अलग करूँगा और मुझे पैसा जल्दी कमाना है mm. मुझे पैसा टेनेक्स ग्रो करना है अगर वो पैसा टेनेक्स ग्रो करने के लिए मुझे एफडी में रखना हो तो मुझे पाँच छः दस साल रखना पड़ेगा इतना पेशेंस मुझ में है नहीं। और वो मैंटेलिटी हो गई हमारी कि यार चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी है राइट लाइफ छोटी है राइट तो आई वॉन्ट टू ग्रो माई मनी फास्ट और लकीली पिछले चार पाँच सालों में डिजिटल चैनल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिजिटल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया दो ये थोड़ा सरफेस लेवल पे है सारा अवेयरनेस डेप्थ में कोई जाता नहीं है बताता नहीं है आ, और उसके साथ फिर हम ये स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स क्रिप्टो बाकी की सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने लग गए राइट एंड जैसे मैंने बोला कि पहले तीन चार साल में बहुत मज़ा आया बिकॉज जब भी आपने पैसा डाला वो ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है दिख रहा है आपको और आपको लग रहा है कि ये यह यहाँ से और ऊपर जाएगा बट देन आई थिंक पिछले एक डेढ़ साल में जो हो रहा है जिसकी वजह से देर इज़ अ डाउन टर्न पीपल आर से रिसेशन हो रहे हैं कंपनी के ले ऑफ्स हो रहे हैं राइट ये सारी चीज़ों में uh, वो पैसा बढ़ नहीं रहा है उतना एंड आपके पास कोई सेफर एसेट नहीं है जिस पर आप रिलाय कर सकते हो कि यार ये पैसा मार्केट कुछ भी हो तो मेरा ग्रो करेगा ट क्रिएट्स अ टेंशन लाइक मुझे याद है जब मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला था और जब क्रिप्टो ग्रो नहीं कर रहा था इट वॉज सो मच प्रेशर कि मैं ना मेरे काम पे फोकस कर पा रहा था ना मैं मेरे हेल्थ पे फोकस कर पा रहा था ना मैं मेरे फैमिली पे फोकस कर पा रहा था बिकॉज दिमाग में बस पूरा टाइम वही चल रहा था कि यार ये पैसा डूब जाएगा जब हम स्पेशली पॉडकास्ट पर या अगर हम न्यूज पर भी ये कंज्यूम करें ठीक है इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से एसोसिएटेड लोग हमेशा ये प्रोजेक्ट करेंगे कि यार अभी अभी भारत के अगले 10 साल, अभी साल जो सही है मैं भी देशभक्त आप भी देशभक्त देश हैं हैं हमारे भी देशभक्त पर इसी मेंटालिटी को लेकर ना कि यार अभी अगले है थोड़ा क्योंकि करेक्ट पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटेजी इंडिया विल ग्रो इंडिया की स्टोरी सबसे अच्छी होगी ये मैं भी मानता हूँ जी बट आपके पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हो वर्सेज कोई और कैसे मैनेज कर रहा है इसमें बहुत डिफरेंस होता है इट इज़ वेरी पर्सनलाइज थिंग्स कि मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है हम थोड़ा सा फ़ोमो में चले गए कि यार मुझे लोगों ने फटाफट पैसा बनाया मुझे भी पैसा बनाना है मुझे लगता है कि यार फाइनेंस में से अगर आप फ़ोमो हटा दो तो आप आपके नीड्स और गोल्स पे फोकस करोगे और जज्बात भी हटा दो हाँ एग्जैक्टली exactly. जज्बात और फोमो अगर दोनों हटा दो तो आप बहुत रैशनली आपके नीड्स क्या है और गोल्स क्या है इन पे फोकस करोगे और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पैटर्न जो हमेशा उभर के आता है कि आपका पोर्टफोलियो अलाकेशन होना चाहिए इन फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स विच आर स्लाइटली रिस्कीअर्स लाइक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एंड अदर प्लेसेस वो मुझे लगता है ये परसेंटेज कितना होना चाहिए ये अलग अलग है मेरे हिसाब से मेरे लिए सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट मेरा पैसा फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में होता है जो कुछ भी हो जाए मुझे गारंटीड रिटर्न देगा राइट और बाकी थर्टी फोर्टी परसेंट पैसा उन जगह पर होता है विच कुड ग्रो टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स राइट और ये है वो मिडिल ग्राउंड जो सबको फॉलो करना चाहिए आपको बताता हूँ कि यूएस का जो सबसे बड़ा फंड है वैन राइट वैन का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है रिटायरमेंट प्रोडक्ट जिसमें लोग पच्चीस से तीस साल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं अप टू देयर रिटायरमेंट और उसमें ऐसे होता है कि जैसे जैसे आप विथ uh, एज उसमें आपका जो डेट या फिक्स इनकम वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कम होते जाते हैं तो पीपल स्टार्ट विथ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट फिक्सड इनकम इन्वेस्टमेंट वेन दे आर एट एटीन ट्वेंटी एक मिनट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब उनकी सैलरी का ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट आपकी सेविंग्स का बीस से पच्चीस परसेंट आपने फिक्स रिटर्न में रखना चाहिए फिक्स जो भारत का एफ है जो भारत का एफ है जो भारत का गोल्ड है जी Whatever. जी जी ओके सो so, ये आपका पच्चीस से तीस बीस से पच्चीस परसेंट होना चाहिए और जैसे जैसे रिटायरमेंट आता है वो परसेंटेज बढ़ के हंड्रेड परसेंट हो जाना चाहिए बिकॉज आफ्टर सिक्सटी सिक्सटी फाइव आपको टेन एक्स ट्वेंटी एक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है यू वॉन्ट वेरी पीसफुल कम्फर्टेबल लाइफ जहाँ पर सारा पैसा गारंटीड आपको आ रहा है सो आई थिंक दैट्स हाउ द पैटर्न हैज इवॉल्व और ये सब लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जनरेशन है आपकी और मेरी जिन्होंने चार पाँच साल में ये देखा नहीं है Now with दिस फर्स्ट साइकिल उन लोगों में वो फीलिंग्स आ रही है कि अब मुझे पैसा अलॉकेट करना है hmm. मैं सारा पैसा रिस्क या एसेट्स में नहीं रख सकता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं जब पैसों की ज़रूरत होगी तब मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा तब क्रिप्टो के रेट्स अच्छे होंगे या बुरे होंगे राइट सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस लोगों ने फिर भी इसमें छः आठ महीने दस में भी कुछ साल निकाल लिए बिकॉज लोन भी आसान हो गया इंडिया में राइट इच वॉज नॉट वेरी ईजी इन द पास्ट राइट right. सो so, मुझे लगता है कि ये वो मिडिल ग्राउंड है जो हम सारों ने लेना चाहिए और अभी आई थिंक ये वो टाइम है कि जो तीन चार पाँच करोड़ रिटेल इन्वेस्टर पिछले चार पाँच साल में पहली बार आए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए जिनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ओके okay, आपने कुछ की पॉइंट्स कहे हैं मैं दोहराऊंगा ठीक है एंड प्लीज़ एड अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया पहले तो डेफिनेटली एक सेफ्टी बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट्स है वो होने ही चाहिए चाहे आप कितने भी अमीर हो चाहे आप कितने भी गरीब हो गोल्ड रियल एस्टेट एफ ये बहुत ट्रेडिशनल सेफ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है तो प्रायोरिटाइज दिस पचास से साठ प्रतिशत आपका पैसा वहाँ ठहराना चाहिए आपको रफली करेक्ट राइट चेंज करना चाहोगे नहीं नहीं बिल्कुल दूसरा पॉइंट जज्बात को देशभक्ति को और फोमो को साइड में रखो स्पेशली जब आप पर्सनल फाइनेंस में घोषण होता राइट right. Uh, आपने शोले देखी हुई है मैंने देखी शोले में वीरू कैसे एकदम पागल <laughs> और जय कैसे एकदम स्थिर राइट पर्सनल फाइनेंस में आपको जय की तरह बनना चाहिए राइट करेक्ट राइट वॉन्ट टू एड परफेक्ट ओके थोड़ा अनइमोशनल बनो बोरिंग बनो ठीक है थर्ड पॉइंट मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा स्पेशली जो जेंजीज है सोशल मीडिया की वजह से ग्लैमर की वजह से हर किसी को फरारी लेनी है लम्बोगनी लेनी है पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताता हूं कि कि एक चीज जो मैंने सीखी है पिछले सालों में जी कि अगर आप एवरेज रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे ला पाओ और लंबे टाइम के लिए ला पाओ आई थिंक आपका पैसा बहुत बनेगा एक स्टडी बताता हूं एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंडिया में एक स्टडी की थी जी. जिस म्यूचुअल फंड के रिटर्न 12 परसेंट है राइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट उनमें जिस इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न सिर्फ आठ परसेंट है और ऐसा क्यों ये सबसे बड़ा सवाल है बिकॉज लोगों ने जब एंट्री की म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड में और लोगों ने जब एग्जिट किया वो टाइमिंग्स इतने गलत थे कि आपका पैसा सिर्फ आठ परसेंट बना भले ही उस म्यूचुअल फंड ने बारह परसेंट बनाया तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से आपकी फ़रारी बन जाएगी नहीं बन जाएगी बट मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ कि आपकी जो भी गोल्स हो अगर आप गोल्स की तरफ प्लान करो और पेशेंस रखो तो वो गोल बन जाएंगे नाव वो गोल कितने रियलिस्टिक है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है अगर मेगा पैसे बनाकर सच में लम्बोगनी लेनी है फरारी लेनी है आइलैंड खरीदना तो शायद आपको बिजनेस करना पड़ेगा राइट करेक्ट राइट बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती शायद लिटरली जितने भी इंसान मिले मुझे आज तक मे बी ओनली वन टू थ्री परसेंट लोग आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग बिजनेस बहुत ब्रूटल चीज़ होती है बहुत मेंटल हेल्थ बैटल्स होते हैं तो क्या आपको सच में फरारी लम्बोगनी चाहिए खुद से ये भी पूछिए क्योंकि जब आप मरोगे आप फरारी को याद नहीं करोगे आप अपनी फैमिली को याद करोगे तो रियली आस्क्योर सेल्फ यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैं स्पेशली जेंजीज को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी यंग था मेरे भी सपने ऐसे ही थे लम्बोगनी लेनी है ये वो वैसे अभी भी सपने <laughs> अभी ले सकते हैं वैसे पर अभी मन नहीं करता राइट right. बट मैं एक चीज बताता हूँ आपने विल स्मिथ की एक बुक है उस बुक में विल स्मिथ बोलता है कि यार व्हेन आई वाज ब्रोक राइट तब मेरे एंबिशन थे कि बहुत पैसा कमाना है करेक्ट बट जब मेरे पास बहुत पैसा आ गया आई एम स्टिल डिप्रेस बिकॉज अभी मेरे पास कोई होप नहीं है तो मुझे लगता है कि एक होप होना बहुत जरूरी है hmm. कि एक फरारी की होप हो Haan, एक बड़े घर की होप हो बिकॉज वो होप आपको ड्राइव करता रहेगा राइट hmm. बट right? वो मुझे लगता है कि ये गारंटी नहीं कि जैसे आपका वो सपना पूरा हो आप बहुत खुश हो जाओगे आई डोंट थिंक दैट एक थोड़ा पर्सनल एनेक्डोड देना चाहूंगा जो फाइनेंस से शायद रिलेटेड नहीं है आई थिंक जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना आप फैमिली की कदर करने लगते हो राइट right. और प्यार की कदर करने लगते हो राइट और रिलेशनशिप्स दोस्ती जो बचपन में आपके लिए जरूरी चीजें होती थी उनकी कदर फिर से करने लगते हो राइट पर हर किसी का एक फेज होता है जहां उन्हें लगता है कि पैसा फेम सब कुछ है यही सब कुछ होता है बट इट्स इंपॉर्टेंट वो फेज भी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे हमारे लिसनर्स शायद उस फेज में अभी जोनड इन है नो right. तो प्रॉब्लम no पर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो फरारी लम्बोगनी के पीछे मत भागो राइट right. और मुझे लगता है कि यार अपने को किसी और से कंपेयर करना इज द इजीएस्ट थिंग बट द बिगेस्ट फ्लॉ वो नहीं करना चाहिए अगर वो करोगे तो फोमो में फिर बिकॉज उन्होंने जितना फास्ट पैसा बनाया वो पैसा उतना ही फ्रेजाइल होता है वो उतना ही फास्ट जाएगा राइट mm. right? आपको आपके गोल्स देखने और मुझे लगता है कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लोगों ने कंपनीज ने इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए कि यार हर एक के अपने अपने नीड्स अलग अलग है और उस हिसाब से करना जरूरी और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई वेल्थ एडवाइज़र है नहीं मुझे वेल्थ के बारे में पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ बात करनी है आपसे बहुत डीपली जाकर ब्रेक डाउन करना है पर उससे पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा जब ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का वेव चल रहा था फिर इन्फ्लुंस का वेव चल रहा था यूट्यूब पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रही है भारत को एजुकेशन मिल रही है पर मैं साथ में ये भी डेफिनेटली सोच रहा था कि हर कोई ये सिखा रहा है कि पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करे पर कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि पैसों को कमाए कैसे वो एक पूरी तरह से अलग स्किल होती है राइट right. करियर स्किल्स बिजनेस स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो और अकॉर्डिंग टू वही वो शायद एटलीस्ट मेरे लिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा जरूरी स्किल है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप सीख लोगे पॉडकास्ट के थ्रू पर पहले ये सीखें कि पैसे कमाए कैसे खुद को इम्प्रूव कैसे करें रहे right. सहमत हो नो हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें बहुत क्रिटिकल है जो हमारे एजुकेशन में मिसिंग है मुझे लगता है कि ये दो तीन सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे कि आप किससे शादी करते हो mm. आप किस सिटी में रहते हो आप किस करियर को चूज करते हो और आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो ये लाइफ के चार सबसे बड़े सवाल हैं मेरे हिसाब से और ये चारों सवाल हमें कभी नहीं सिखाए गए अनफॉर्चुनेटली हमें अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है नाउ विथ डिजिटल कॉन्टेंट आपके जैसे लोग जब बताते हैं एक्सपीरियंस थोड़ा लर्निंग उससे आता है राइट right? बट ये एक पीस है जो बहुत मिसिंग है और मुझे लगता है कि इन पे फोकस होना चाहिए रादर देन ओनली मल्टीप्लाइंग मनी मल्टीप्लाइंग मनी इज वेरी इजी वे टू अट्रैक्ट व्यूअर्स राइट बट ये बाकी की चीज़ें उतनी क्रिटिकल है ओके okay, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है मेरे एक फेवरेट रैपर है उनका नाम है जे कोल उनका एक सॉन्ग है लव योर्स उस गाने के लिरिक्स बेसिकली ये है कि आ, चाहे जितना भी बड़ा आपका घर है किसी और का घर आपके घर से बड़ा होने वाला है पर ये जरूरी नहीं है ये जरूरी है कि उस घर के अंदर के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं फिर ये कहते हैं कि चाहे आपकी गाड़ी जितनी भी बड़ी हो उससे भी बेहतर गाड़ी किसी की होगी पर आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है राइट सो इज नो सच थिंग एज अ लाइफ दैट्स बेटर देन योर्स राइट बट जिंदगी का फर्स्ट रूल ये होता है कि खुद की जिंदगी से प्यार करो फिर पैसों के बारे में सोचो नॉलेज अपनाओ नॉलेज को यूज़ करो और फिर पैसों को मल्टीप्लाई करो राइट right. ओके okay? अभी हम पैसों को मल्टीप्लाई करने की बातें करेंगे और डेफिनेटली ये मैंने धोनी से सीखा है धोनी ये कहते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी गलतियां करी तो आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये होगी कि अगर आपने उन गलतियों को स्टडी नहीं किया और आप ये कह रहे हो कि अभी बहुत सारे लोगों ने पैसों को लेकर बहुत सारी गलतियां की हैं पिछले तीन चार सालों में मल्टीप्लाई भी किया है पैसों ने सीखा भी है और गलतियां, गलतियां भी कर गलतियाँ आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे लेना चाहोगे सो मुझे लगता है आई थिंक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए कि ये आर्ट ऑफ मनी मेकिंग है क्या और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही आर्ट है जो नेगेटिव आर्ट है और मैं बताता हूँ नेगेटिव का मतलब क्या है ये आर्ट वो है कि जो आप उतना बेहतर कर पाओगे जितने आप गलतियों को कम करोगे आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है mm. और ये जो जनरेशन है जिसने चार पाँच सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी है समझी है ट्राई की है गलतियाँ की है मुझे लगता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन वो ज़रूरी है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं और बस उनको हटा दो आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है कि अगर व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि कोई एक मंत्रा मिल जाएगा कि जिससे आप पैसा दो गुना या चार गुना हो जाएगा वो नहीं होने वाला है बट आप आपकी गलतियाँ कम करो कि यार पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है फोमो हटाना कितना इंपॉर्टेंट है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो अलॉकेशन कितना So, जो जो गलतियाँ चार पाँच सालों में की है मुझे लगता है कि वो हटाओ और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है आपका पैसा वैसे ही बहुत अच्छे से बढ़ेगा और पैसा बढ़ने के साथ जो मेंटल पीस है वो आएगा ओके okay. uh, अभी डीप चलते ठीक है भारत में अभी हो रहा क्या है स्पेशली uh, जब अगेन जब गवर्नमेंट बात करती है तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में चर्चा होती है एक्सेट्रा एट्सेट्रा बट असली भारत में क्या हो रहा है मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई के बाहर सो so, मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ आपको 200 मिलियन लोग हैं 20 करोड़ लोग हैं जिनके पास 20 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास एफ डीज है इंडिया में और इनमें से बहुत सारे लोग आपके टीयर वन टीयर टू और छोटे छोटे सिटीज़ में गाँव में रहते हैं राइट जो लोग जिन्होंने अभी बैंक अकाउंट बनाया है जो लोग एफ में इन्वेस्ट करने लगे हैं ये सारी चीज़ें करने लगे मुझे लगता है ये जो इंडिया का बीच का पूरा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है इनका पैसा बहुत फास्ट बन रहा है बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस पीपल राइट इंटरनेट के वजह से मोबाइल के वजह से इंडिया की ग्रोथ की वजह से इन सारों का पैसा विल ग्रो फास्टर दैन द टॉप पीपल टॉप वन परसेंट ऑफ इंडिया और ये मुझे लगता है कि बहुत रेवोल्यूशनइरी है इंडिया के लिए बिकॉज दिस मनी राइट ये वाला जो वर्किंग फोर्स है राइट दिस विल ड्राइव द मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर इंडिया जी मैं एग्जैक्टली exactly नहीं समझा आपने ये क्यों का कि ये स्लैब का पैसा मल्टीप्लाई करेगा एट अ फास्टर रेट देन टॉप वन परसेंट राइट टॉप वन परसेंट क्या कर रहा है नहीं टॉप वन परसेंट के पास ऑलरेडी बहुत है राइट सो आई एम जस्ट द ग्रोथ फॉर दीज पीपल सौ का दो सौ होना इज hmm. वेरी आसान देन दस हजार का बारह हजार होना राइट hmm. सो right? so मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़ने वाला है बट उसके साथ यही प्रॉब्लम आएगा कि इन लोगों को विथ जब इनके पास पैसा ज्यादा होगा गाइड कैसे करेगा कौन बताएगा इनको आज जो टॉप वन परसेंट ऑफ इंडिया है उनको गाइड करने के लिए वेल्थ मैनेजर्स है बहुत सारे लोग हैं बट इनको गाइड करने के लिए कौन है इज़ वेयर आई थिंक इस विजन के साथ भी हमने स्टेबल मनी शुरू किया है right? राइट कि यार ये जो 200 मिलियन है और 300 मिलियन का लोग होने वाला जिनका पैसा बढ़ने वाला है इनको सही एडवाइस कैसे दी जाए इनको सही प्रोडक्ट्स कैसे बताया जाए और कैसे आसान किया जाए सिर्फ 200 मिलियन क्यों है अगर भारत की आबादी वन पॉइंट बिलियन और आप कह रहे हो कि सिर्फ टू हंड्रेड मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं बाकी का क्या हाँ सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द प्रॉपर पिरामिड दैट यू विल फाइंड इन एनी कंट्री इंडिया में ये दो सौ मिलियन वाला बेस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल गेट अपग्रेडेड फास्टर दो सौ मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास है दो सौ मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास और शायद आप लोअर मिडिल क्लास मान लो वो है Okay. Right, जो मिडिल क्लास बनेगा और ये मिडिल क्लास में भी शायद स्लाइटली अपर मिडिल क्लास बनेगा बट हाँ मोटा मोटी इतना नंबर है ओके okay. और ये मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी बैकबोन ऑफ इंडिया राइट बिकॉज़ इन मतलब इनके साथ नीचे के लोगों को भी दे विल स्टार्ट ड्राइविंग राइट वो फेज कब स्टार्ट होगा आई थिंक मुझे लगता है इट विल टेक 5 टू 10 इयर्स टली स्केल वो धीरे धीरे ऊपर बनेगा बिकॉज ये थोड़ा सा टॉप टू बॉटम स्ट्रेटेजी होती है राइट right, कि जो मतलब पहले वो वाला टॉप वन परसेंट का पैसा बनता है फिर नीचे बनता है, फिर नीचे नीचे बनता बनता है, है। okay. uh, तो ये वाली कॉन्वर्सेशन बेसिकली मिडिल क्लास फोकस्ड कॉन्वर्सेशन राइट इवन आई लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बिकॉज वो लोग मिडिल क्लास बनने वाले बहुत जल्दी ओके फिर आप एक एवरीडे एग्जांपल लेकर बताइए अपने छोटे भाइयों को बहनों को जो बाईस साल के तेईस साल के जो महीने के बीस हज़ार रुपए कमा रहे हैं राइट एज सैलरी कैसे डिवाइड करोगे आप पैसे इंक्लूडिंग In घर का खर्चा हाँ तो मुझे लगता है बाईस हज़ार में से मैं वो वाले स्पेंड्स हटा देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है जैसे आपका रहने का खाने का ट्रैवल का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो बहुत ज़रूरी है लग से कि बाईस हज़ार में से वो सात हज़ार रुपये आपका खर्चा पंद्रह हज़ार बचे अभी इस पंद्रह हज़ार की प्लानिंग करनी है इस पंद्रह हज़ार में से मैं मर रखूँगा सात से आठ हज़ार रुपये उन जगहों पर जो मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा जैसे एफ हो गए गोल्ड्स हो गए राइट या आ, आपके बैंक में है पैसा इमरजेंसी फंड की तरह के सो वो सात से आठ हज़ार रुपये बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा आप कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए या फिर बहुत लंबे टर्म के आ, स्लाइटली रिस्कीअर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख सकते हो सो बाईस हज़ार में से सात आठ हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो गया पंद्रह हज़ार में से सात आठ हज़ार रुपये आपने सेफ़र एसेट्स में रखे और बचे हुए जो पाँच छः हज़ार रुपये वो पैसा मुझे लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हो स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स में या किसी और शॉर्ट टर्म नीड के लिए इमरजेंसी फ़ंड के लिए पता है इसी कैटेगरी में ये जो बचा हुआ पैसा है जहाँ आप कह रहे हो कि थोड़ा मीडियम रिस्क वाले एसेट्स में डाल दो स्पेशली ट्वेंटी से लेकर शायद ट्वेंटी सिक्स तक क्योंकि तब आपकी शादी की बातें होने लगती है फैमिली में राइट right. उसके पहले ये मुझे गौरव कपूर ने बताया था जो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है इंडिया में right. सैफ अली खान ने भी यही एडवाइस दी थी कि ट्वेंटी से ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी सेवन तक खुद में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए राइट right. किताबें खरीदिए कोर्सेज कीजिए ऑनलाइन आई थिंक अभी इंडियन कोर्सेज का जमाना आने वाला है राइट right. हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे <laughs> पर आ, खुद के स्किल सेट पर बहुत ज्यादा काम कीजिए सॉफ्ट स्किल्स पर काम कीजिए पता है लोग ना आजकल बहुत ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी नहीं हिंदी हमारी मातृभाषा है यार हिंदी बहुत ज़रूरी है हिंदी नंबर वन लैंग्वेज है पर अगर आपको अमीर बनना है ना आज के ज़माने में इंग्लिश एक स्किल होती है आप ना ही अर्बन सेंटर्स में ग्रोथ पाओगे पर शायद इंडिया के बाहर भी आपको ग्रोथ मिलेगी इंग्लिश सीखने के थ्रू तो। ये यह मुझे लगता है कि नॉट्स नॉट ओनली आपको इंग्लिश इसलिए जरूरी है कि आपकी ग्रोथ होगी मुझे लगता है कि बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया की बाहर हो रही है जी। वो अगर आपको समझनी भी hmm. है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आना जरूरी है राइट right? सो so, ये बहुत सही है आई थिंक ये एडवाइस मैं लेके जाऊँगा इस पॉडकास्ट से कि हाँ हा। एक पैसा आपको आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना है और वो ज़्यादा होना चाहिए जब आपकी एज कम हो स्क्रू वाला ने कहा था कि आज के ज़माने में एडुकेशन एक्चुअली कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है राइट जो भी चीजों से आपको पैसा मिलेगा वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी बाईस साल की उम्र के बाद दैट इज द ट्रूथ कॉलेज में हम नहीं सीखोगे ये सब मुझे लगता है है आई थिंक कॉलेज ने हमको सिर्फ नेटवर्क दिया है, या दोस्त दोस्त दिए दिए दोस्ती प्यार राइट right. मतलब ये जो इमोशनल चीज है वो मिलती है कॉलेज से स्किल सेट्स नहीं मिलते True. और इसलिए आए तो पर्सनली फील कि जो आपने कहा कि वो जो पैसे बचते थोड़ा सा खुद पे खर्चा करो वुड यू से क्योंकि बहुत सारे लोग हार्ड वायर्ड होते हैं मास्टर्स करने के लिए एम करने के लिए मैंने खुद एम नहीं किया मैंने भी नहीं किया आई फील इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी राइट आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट डों मुझे लगता है आई थिंक इंडिया वो टाइम पे है आज कि जहां पर आप कुछ करके खुद का एम बना लोगे गाइट गिव यूर सेल्फ ए चांस बिजनेस शुरू करो किसी दोस्तों के साथ बिजनेस करो या कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां पर ज्वाइन करो राइट right? और वहां से सीखो राइट right? वो बेहतर एम है देन गोइंग फॉर एन एम ए थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शल स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा क्योंकि हम ये भैया ओरिएटेड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पर मैंने ये नोटिस किया हर किसी में नहीं पर बहुत सारों में मोस्टली uh, जो आई एम के बाहर की एम बी ए कोचिंग होती है ना वो आपको हल्के से करियर वाइज थोड़ी सी लिमिट कर सकती है कर देती नहीं कर सकती है वो पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि आपको ये लगता है कि करियर का माइंडसेट सिर्फ आपको अपने एमबीए की किताबों से मिलेगा एटसेट्रा एट्सेट्रा पर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है

आपको करके के यू गो थ्रू दैट हसल और वो हसल के लिए मुझे लगता है कि आई थिंक खुद कुछ करना ज़रूरी है रादर देन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन कोर्सेस कभी कभी ना जिंदगी में पापा और मम्मी की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए कुछ मोमेंट्स में right. आपके पेरेंट्स बहुत कुछ जानते हैं आपका भला चाहते हैं पर कुछ मोमेंट्स में ना उनकी जनरेशन हमारी जनरेशन से अलग है अगर करियर एडवाइस चाहिए तो जो लोग थर्टीज़ में हैं जो आपके भैया दीदी के एज के हैं उनसे एडवाइस लीजिए आप yeah. और इसी में बहुत सारी फाइट होती है आई थिंक मेरे और मेरे पापा की फाइट भी यही होती है कि जो चीज़ें उनके लिए बहुत डिफिकल्ट थी वो चीज़ें बाय जस्ट द एरा हैज चेंज आसान हो गई है हमारे लिए है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन या एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करने के बावजूद भी अच्छा पैसा कमाना राइट आ, अगर आपके मार्क्स कम भी है तो भी आज जो बहुत सारे लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं आई आई डोंट थिंक वो लोग टॉपर्स है राइट okay. सो right? so ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत आसान हो गया जो नहीं था इसीलिए अपने पापा लोगों ने पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल एक ही कंपनी में काम किया है right? राइट और वहाँ से रिटायर हुआ है जो आई थिंक अभी के जनरेशन में ज़रूरी नहीं है सो so मुझे लगता है कि वो गैप है आई थिंक आई एम श्योर अपनी पेरेंट्स वाली जनरेशन भी समझ रही होगी बट हमको भी समझना ज़रूरी है कि यार वो जो आप बोल रहे राइट हर चीज़ We should not follow to the team, hmm. जो अपने पेरेंट्स रहे। hmm. या किसी की भी बात है हंड्रेड परसेंट फॉलो नहीं करनी चाहिए मेरी भी नहीं इनकी भी नहीं किसी की भी नहीं लाइक right. like, वो थोड़ा एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आप में right. कि यार हर किसी की बातें सुनो एंड में खुद की डिसीजन करो कैलकुलेटेड right. डिसीजन पर उसके लिए नॉलेज को अपनाना बहुत जरूरी है right. इससे मैं ये भी मानता हूँ की जो पॉडकास्ट सुनने वाली जनता ना वो नॉलेज अपना रही है फिर एट द एंड ऑफ द डे वही डिसीजन लेगी क्योंकि अलग अलग परस्पेक्टिव मिलते आपको फ्रेमवर्क लेना है कि यार मुझे पता है कि यार डिसीजन लेने के ये तीन चार फ्रेमवर्क्स हैं अब उसमें hmm. है। hmm. नहीं लेगा फ्रेमवर्क right. right. होना चाहिए अपने आइदर कोर्सेज में या फिर क्लासेस में या एजुकेशन सिस्टम में कि यार अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसीजन लेने दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाह कह रहे हो कि अलग सब्जेक्टिव होना चाहिए हाँ, decision making. 100%. Okay. Uh, जो पापा मम्मी की जनरेशन है आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे वन रिलेटेड टू करियर्स मॉडर्न करियर्स उनको क्या करियर एडवाइस देना चाहोगे एज एन फॉर द किड्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस क्या देना चाहोगे कंसिडरिंग वो शायद फोर्टीज में या फिफ्टीज में अभी सो so, मुझे लगता है मैं फाइनेंशियल एडवाइस से शुरू करता हूँ बिकॉज वो मेरे टॉप ऑफ द माइंड है जी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइस में हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने जो बिल्कुल सारा पैसा सेफ रखा है राइट right? अभी एस्पिरेशन चेंज हुआ है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है सो सम पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ टू गो इन टू द एसेट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं ज़्यादा पैसा बना के दे सकते हैं विच स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड और जो साठ सत्तर परसेंट वाला जो पैसा है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो सेफर एसेट्स में होना चाहिए वो डेफ़िनेटली आप गाइड करो आपके बच्चों को कि यार ये पैसा क्यों इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी इमरजेंसी के लिए हेल्थ के लिए आ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए राइट right? कभी मार्केट्स ऊपर नीचे है रिसेशन लंबा है राइट right? उस टाइम पर यह पैसा ज़रूरी होगा तो मुझे लगता है कि ये एक एडवाइस मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ हमेशा इसके बारे में और करियर के बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई है कि मुझे लगता है कि देर हैज टू बी फ्रीडम अपने बच्चों के लिए पहले पाँच से सात साल के करियर में आई थिंक वहाँ पे उन लोगों को जो करना है वो आप करने दो आप उनको ये मत बोलो कि जॉब ही करना ज़रूरी है खुद का कुछ मत करो पहले कुछ बन जाओ पहले कुछ पैसे कमा लो और फिर करो मुझे लगता है कि पहला पाँच सात साल इज़ वेरी रिस्क फ्री जैसे जैसे एज बढ़ती है आज मेरे एज में जो मैं रिस्क करियर के बारे में ले पाऊँगा वो रिस्क में इससे कई गुना ज़्यादा रिस्क में पहले दस साल पहले ले सकता था राइट सो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को वो पाँच सात साल की रिस्क देना बहुत जरूरी है इज हाउ मे बी आई थिंक अबाउट माई किड मेरा बच्चा सात साल का है राइट टू मेक श्योर कि यार एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फाइव टेन ईयर्स आई कैन सपोर्ट हिम और वो अपने करियर में जितने भी रिस्क लेना चाहे ले ले फिर उसके बाद आई थिंक वो खुद सीखेगा और हम भी साथ बैठेंगे एंड देन वी कैन डिसाइड कि आगे करना क्या है ओके okay. हर कोई आई थिंक रफली ये जानता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बढ़ते कैसे टेक्निक टेक्निक पता है है, स्टॉक मार्केट का भी बहुत गहरा होता बट हर किसी को आइडिया कि चलता है म्यूचुअल uh, बेसिकली आप एक कंपनी को पैसे दे रहे हो उस कंपनी में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट बैठे हुए और आपके पैसों को मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न मेंटालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते right. right. no, no. हैं Uh, मैं ये भी मानता हूँ स्पेशली पॉडकास्ट के थ्रू जितना मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है कि वो एक स्किल होती है जैसे बचपन में किसी ने हमें साइकिलिंग सिखाई थी बैटिंग सिखाई थी उसी तरह स्टॉक मार्केट सीखना पड़ता है कि कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक बार आपने बेसिक स्किल्स uh, अपना लिए तो छतेश्वर पुजारा की तरह खेलना है स्टॉक मार्केट एकदम स्लोली खेलना है एकदम सेफ एंड स्लो अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेली स्टॉक मार्केट में तो ज़्यादा बेहतर है लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं एक टी ट्वेंटी मैंटैलिटी के साथ यहाँ करना है वहाँ करना है एक्सेट्रा और इससे स्टॉक मार्केट की एक बुरी रेपूटेशन है हमारे देश में पर हमारे एज के लोग हमारे ऐसे छोटे जो लोग हैं बहुत एक्साइटेड है स्टॉक मार्केट को लेकर उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आई थिंक मेरा बस यही एडवाइस है और मैंने खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किए और बहुत सारे जगहों पे गलत इन्वेस्टमेंट्स किए है कि आपका जितना रिस्क कैपिटेट है आप उतना ही पैसा डालो और वो पैसों के साथ सीखते रहो जैसे आपने बोला राइट चेतेश्वर पुजारा जैसा राइट उतना होना चाहिए कि ये पैसा अगर किसी टाइम पे आधा भी हो गया तो भी आपके बाकी के लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा फाइनेंशियल लाइफ में करियर लाइफ में पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा आई थिंक उसके साथ सीखना आ, बहुत ज़रूरी है एंड देन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे वो आप पोर्शन बढ़ाते रहो इन्वेस्टमेंट्स का आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है अनलेस मुझे लगता है कि जो दिन रात यही करता है जिसका प्रोफेशन ये है हमारे जैसे लोग जो बाकी जॉब करते हैं बाकी और चीजें करते हैं और बाकी किसी और चीज़ों में एक्सपर्ट है आई थिंक उन उन चीज़ों उन लोगों ने बहुत एक छोटा पैसा वहां रखना चाहिए आई थिंक रेस्ट शुड बी सेफर एंड बिल्ड यू आर गुड एट अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाने हैं वो आपकी पैशन होनी चाहिए यस आई फील जनरली ये अगेन इमोशनल कॉन्वर्सेशन है पर आपके पैशन से आपको मैक्सिमम पैसे मिलेंगे हंड्रेड परसेंट और मुझे ये लगता है कि लोग बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होते वो किसी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ों में बहुत बुरे होते हैं mm. और एटलीस्ट हमारे जनरेशन जो टेक्नोलॉजी में काफी एक्सपर्ट है कम्युनिकेशन में काफी एक्सपर्ट है राइट दे आर वेरी बैड इन मैनेजिंग द फाइनेंस राइट तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि अगर वो समझ जाए कि यार हम इसमें बहुत कमजोर है वहां पर फिर आप रिस्क मतलब आप उन चीजों पर डबल डाउन करो जो चीज आप अच्छे से करते हो ओके अभी एक और खतरनाक कॉन्वर्सेशन ये रिसेशन वाली कॉन्वर्सेशन रिसेशन होने वाली है भारत में अब वेरी ट्रिकी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अगले छ से बारह महीने इज़ अ वेट एंड वॉच लोग बोलते हैं कि जैसे ये ग्लोबल वॉर्स हो रहा है राइट right? यूएस में रिसेशन काफी है इन्फ्लेशन काफी ऊपर है आई थिंक इंडिया को इतना इंपैक्ट हुआ नहीं है बट मुझे लग रहा है कि अगला छह से बारह महीने इज अ वेट एंड वॉच हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा रिसेशन स्टार्ट हुई है प्राइसेज सडनली इंक्रीज हो जाएंगे हर चीज के हाँ सो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको रिसेशन पता नहीं चलता जैसे जो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं राइट right? हमारे नंबर्स बहुत अलग होते हैं बिकॉज़ आप आईफोन लेते हो आपके पास बड़े फोन्स हैं आपकी कार्स है घर है राइट right? इनके प्राइजेज़ ऑलरेडी काफ़ी शूट अप हो गए इफ़ यू सी आई फोन से फोर्टीन से फिफ्टीन ऑलरेडी प्राइजेज़ ऑफ गॉन अप मैसिवली बट ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नहीं आता है राइट right? ये जो मिडिल क्लास है या फिर नीचे आप जितने जाते हो उतने पता चलता है जब आप आपके पेरेंट्स से बात करते हो जो अभी भी शायद टीयर वन टीयर टू सिटीज़ में कि आलू के पास क्या रेट्स क्या है टमाटर के रेट क्या है दूध कितना महंगा हो गया है तो मुझे लगता है हम लोगों को कम समझ में आता है ये सारी चीज़ें रिसेशन ये हमको सिर्फ तब समझ में आता है जब जॉब कट्स होने लगते हैं या जॉब्स नहीं मिल रही है आ, मार्केट्स में या फिर आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो इतना ग्रो नहीं कर रहे आई थिंक दैट्स हाउ वी नो द रिसेशन सो इट्स नॉट लाइक किसी एक दिन कुछ सडनली हो जाएगा राइट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस और मुझे लगता है कि अगला छः से बारह महीने इज इज़ दैट टाइम वेयर पीपल हैव टू बी वेरी कॉशियस राइट और इसीलिए हम भी ये बोलते हैं कि आज आप देखो कि इंडिया इज़ एन वेरी नाइस स्पॉट जहाँ पर एफ के रेट्स भी पीक पर है आज नौ परसेंट तक की आपको एफ मिलती है मार्केट में और स्टॉक्स भी आज ऑल टाइम है बस थोड़ा सा ही नीचे राइट सो ये अगला छः से बारह महीने मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी ओवर एस्टिमेट Uh, करना या ओवर इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए आई थिंक बारह महीनों बाद छः से बारह महीनों बाद हाउ द ग्लोबल सिचुएशन चेंजेस स्पेसिफिकली सम ऑफ द वॉर्स दैट आर हैपनिंग आई थिंक उसके बाद पता चाहिए मतलब तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट्स में नहीं करनी चाहिए रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट जैसे स्टॉक्स मार्क। मार्केट्स और म्यूचुअल फंडस घर घर uh, अब वो अगर आपका पहला घर है तो वो तो आप किसी भी टाइम पे ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए बिकॉज दैट्स योर हाउस राइट right. बट अगर आप रियल इस्टेट्स में बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ रियल इस्टेंट में फॉर ग्रोथ आई थिंक मुझे लगता है वो भी आप अवॉइड कर सकते हो पिछले अगले एक साल में अगले छः से छः महीने से एक साल में ओके okay. ये आप क्यों कह रहे हो मतलब ये रिसेशन क्यों हो रही है आई थिंक रिसेशन इसीलिए हो रही है बिकॉज ये जो सारा वॉर सिचुएशन है राइट right? इस इन चीज़ों की वजह से आई थिंक देर इज़ अ फियर इन द मार्केट एंड पीपल आर नॉट स्पेंडिंग एवरी बडीज़ सेविंग्स राइट सब दुनिया भर के लोग दुनिया भर के लोग सो so, सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस है ग्रोथ से सो so, जब ग्रोथ कम होती है और सेविंग्स ज़्यादा होती है राइट right? तब मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन uh, रिसेशन वाली चीज़ें आती है इसका लॉजिक थोड़ा सा ब्रेकडाउन करें हाँ यूक्रेन रशिया में वॉर हो रही है इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर हो रही है तो पैसों पर असर कैसे पड़ता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर राइट right? आपके ऑयल प्राइजेस हैव गॉन अप मैसिवली बिकॉज सप्लाई बहुत वहाँ सर है अगर आपके ऑयल प्राइजेस बढ़ते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है तो मतलब वो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे जो चीज़ एक्स टू वाई जगह जाने के लिए सौ रुपये लगते थे अभी अब डेढ़ सौ रुपये लग रहे हैं राइट तो वो डेढ़ सौ रुपये जो आइटम डिलीवर हो रहा है उसमें ऐड किया जाएगा वो अगर डेढ़ सौ रुपये उसमें ऐड किया गया तो जो लोग ख़रीद रहे हैं उनके लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएगी तो पहले जो सौ लोग खरीद रहे थे अब से पचास लोग खरीदेंगे उन चीज़ों को राइट सो डिमांड कम होगी मार्केट में लोग पैसा बचाने की कोशिश करेंगे सो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वेन इट कम्स टू रिसेशन लोग आ, जैसे हमारी जैसी कंपनीज राइट right? जो बहुत ग्रोथ पे फोकस करती थी कि आज हमने आ, आज जहाँ पर भी हमें उससे टेन एक्स ग्रो करना है अगर हमें अगले दो सालों में तो हमें टीम बढ़ानी है तो हम बहुत लोग हायर करते हैं बट जब ऐसे मार्केट होते हैं तब हम बोलते हैं कि नहीं यार टेन एक्स नहीं जाएंगे हम सिर्फ टू एक्स जाएंगे तो इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए तो हायरिंग कम होती है जॉब्स कम होते हैं मार्केट में यू एस में अगर रिसेशन होता है तो वहाँ की जो आई टी कंपनीज है जो इंडिया से लोग हायर करती है आ, या आउटसोर्स करती है वो लोग कम रिक्वायरमेंट देते हैं तो यहाँ पे जॉब्स गिरती है तो लोगों की आमदनी कम होती है सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रिपल इफेक्ट्स है आ, जो आ, होते हैं और ये हर पाँच छः साल का सिचुएशन है बस ये कितना टाइम तक रहता है इज़ द क्वेश्चन वो अनप्रडिक्टेबल है वो अनप्रडिक्टेबल आई थिंक वो बहुत कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभी टाइम लगता है वो कभी कभी कंट्री के इकोनॉमी पे भी बहुत डिपेंड करता है सो आई थिंक इंडिया में माइट कम आउट ऑफ द रिसेशन वेरी फास्टर वर्स इज एनी मुझे लगता है बिकॉज इंडिया में इंडिया इज स्टिल प्लेस जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी है बिकॉज जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है राइट वर्सेज अदर कंट्रीज मतलब तो, अगर लोग साथ में मिल गए तो काम निकलेगा हां और वो भी है प्लस आई थिंक जो जो काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सारी चीजें हैं राइट right? यहां पर मैन पावर चाहिए इतना मैन पावर आउटसाइड इंडिया पे कम है इतने स्किल्ड मैन पावर कम है तो वो बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है तो बहुत सारा पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है राइट सो इंडिया माइट हैव और अभी भी जो पिछले छः महीने एक साल में देखा है कि इंडिया पर इम्पैक्ट कम हुआ है वर्सेज अदर कंट्रीज़ सो मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया माइट भी एट अ सेफ़र प्लेस बट बहुत पर्सनल ओपिनियन है uh, तो आई थिंक मेरे लिए मैं ये देख रहा हूँ कि अगले छः से बारह महीने आई विल बी इन अ सेफर एसेट्स मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी एफ डीज में हैं और गोल्ड में है वर्सेज इन द रिस्कीयर एसेट्स ओके आप कौन से रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा एक छोटा सा वैसा कुछ स्टॉक्स में है जो मुझे लगता है कि ओवर टाइम काफी अच्छा आपने सेफ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं जो मतलब कंपनीज ट्राइड एंड टेस्टेड है हाँ। जो भी इन कैटेगरीज में आते हैं जिनको आई थिंक लोग काफी ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं राइट जिनका मार्केट कैप काफी बड़ा है जहाँ पे आपको भरोसा है कि यार इतने सालों में शायद कुछ ना हुआ हो वैसे स्टॉक्स ओके आई थिंक ये एक लाइफ स्किल होती है करियर स्किल होती है कि जिस देश में आप रहते हो और हिस्ट्री के किस पॉइंट में आप रहते हो ये बहुत मैटर करता है फॉर योर फाइनेंशियल स्ट्रैटजी राइट और अगर ये जानना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्ट्रैटी अच्छी है या बुरी है गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टडी करो right. वो किस हिसाब से सोच रहे हैं करेक्ट राइट जब आप रेग्युलेटर शब्द यूज कर रहे हो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात कर करो राइट राइट कुछ बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है आई थिंक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है स्पेसिफिकली um, जो चार पाँच सालों में इंडियन uh, स्टार्टअप या फिनटेक एज अ इंडस्ट्री जो ग्रो की है राइट right, um, यहाँ पर आई थिंक रेगुलेटर्स हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल राइट मतलब सबी आर बी आई फाइनेंस मिनिट्री सारी जगहों पर राइट right? आज एक कंपनी शुरू करना राइट right? उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना ये सारे प्रोसेस बहुत आसान हो गए राइट सो मेरा खुद का स्टार्टअप था बिफोर स्टेबल मनी पाँच साल सात साल पहले वो कंपनी शुरू करने का प्रोसेस वो कंपनी बंद करने का प्रोसेस जब हमने कंपनी बंद की थी वर्सेस जो आज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है इट्स वेरी इजी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है इन्वेस्टमेंट्स लाना आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत आसान हो गया है. आ, प्लस गार्ड रेल्स काफ़ी क्लियरली डिफाइन हो गया है मुझे लगता है पिछले चार पाँच सालों में ये काम बहुत सही हुआ है जहाँ पर सबी आर फाइनेंस uh, मिनिस्ट्री ने गार्ड रिल्स क्लियर कर लिया है मतलब क्या गार्ड्रिल्स मतलब कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते इसको ग्रे नहीं रखा है ये बहुत ब्लैक एंड वाइट है राइट okay. right? ये गलत आ, है ये सही है ये गलत है ये सही है ये नहीं करना है एंड मुझे लगता है जहां पर भी डाउट या कहीं बिजनेस करते वक्त राइट right? इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली मुझे अगर डाउट आता है राइट right? जहां पर चीजें शायद ब्लैक एंड वाइट ना हो मैं ये देखता हूं कि कहाँ इन्वेस्टर का बेनिफिट uh, है यू डू दो थिंग्स आई थिंक रेगुलेटर्स आर मोर सपोर्टिव ऑफ़ दैट कि यार जो भी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो भी सारा ये मिडिल क्लास है राइट ये वो अपना जो हार्डअर्न पैसा डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में ये पैसा नहीं डूबना चाहिए सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो जो गार्ड रिल्स डिफाइन किए इसकी वजह से बिजनेस करना काम करना बहुत आसान हो गया है आ, हमारे लिए एंड जनरली ये जो इंडिया टैक्स बने राइट आज आप देख लो आधार कार्ड बना है पैन डिजिटाइजेशन हुए है पेमेंट डिजिटाइजेशन हुए हैं इसकी वजह से चीज़ें इतनी आसान हो गई है अपने पेरेंट्स के टाइम पे और मैं ये मेरे फादर की बात करता हूँ अगर उनको एफडी करनी है तो पहले दो तीन हफ़्तों का रिसर्च होता था कि कौन से कौन से बैंक्स में है फिर वहाँ जाओ उस ब्रांच मैनेजर से मिलो रेट समझो क्या क्या पॉलिसीज़ है वो सारे समझो फिर बाद में एक अकाउंट खोलो उस अकाउंट में चेक डालो फिर दो तीन दिन बाद वो चेक क्लियर होगा फिर आपकी एफ बनेगी आज स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म पर आप तीन मिनट में एफ बुक कर सकते हो आप ऐप इंस्टॉल करोगे आपका आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा पैन वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा आप पैसे ट्रांसफर करोगे आपकी एफ बन जाएगी और वो बैंक से रिसीट तुरंत आ जाएगी आपको ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ टैलेंट दैट इंडिया हैज बिल्ड बट ऑफ रेगुलेशन सपोर्टिंग टू बिल्ड दिस टेक्नोलॉजिकल स्टैक बिकॉज यहां पर बहुत सारी बात आपको

Uh, पर पहले इंडिया स्टैक समझा दो क्या होता है इंडिया स्टैक इंडिया स्टैक वो होता है कि यार जहाँ पर इन्वेस्ट या लोगों का डेटा राइट इज बीन स्टोर्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी यूज सिक्योरली फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वेरीफिकेशन काइंड ऑफ थिंग राइट आज जो केवाई सी बोलते हैं हम राइट नो योर कस्टमर पहले नो योर कस्टमर का प्रोसेस कैसे होता था बैंक अगर अगर अकाउंट खोलना है तो वो बैंक एजेंट आपके घर आता था या आप बैंक जाते थे आप एक पैन आधार का जेरोक्स लेके जाते थे उस पर साइन करके उनको हैंड ओवर करते थे वो फिजिकल वेरीफिकेशन होता था आज वो सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई है आज आप वीडियो के आप ऑनलाइन कर सकते हो आपका आधार वेरी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिट फिज़िकली सबमिट करने की ज़रूरत नहीं एवरीथिंग इज़ बिन डिजिटाइज और ये जो डिजिट डिजिटाइजेशन हुआ है दैट इज़ इंडिया स्टैक यूपीआई पेमेंट ऑल ऑफ दैट Uh, जो अपन ने बनाया हुआ है आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ हेल्पिंग अस टू ग्रो वेरी फास्ट आज पेनिट्रेशन करना इंडिया में आज स्टेबल मनी पे साढ़े तीन सौ सिटीज से लोग एफ बुक करते हैं ये नहीं पॉसिबल था ओके okay. देखो एक ऑर्डिनरी कस्टमर जिसके पास फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है वो एक एफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं आई एम बेसिकली श्योर वो यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिल रहे हो सबसे right. ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ का एनी अदर फैक्टर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो हुई है और यस yes बैंक का जो फियासको हुआ था कुछ साल पहले right? क्या हुआ था यस yes बैंक के जो भी इश्यूज आए थे कि जहाँ पर मोरिटोरियम लग गया था लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे देन गवर्नमेंट बी आई बैंक के यस बैंक आउट ऑफ दैट वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई है कि हर एफ डी पे आर बी आई पांच लाख तक का इंश्योरेंस देती है जो पहले नहीं था मतलब आप अगर किसी भी बैंक में एफ डी करते हो जी राइट right? उस बैंक में जब पाँच लाख तक का पैसा इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय आरबीआई राइट इसका मतलब ये है कि अगर उस बैंक के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए राइट right? वो पाँच लाख आपके हंड्रेड परसेंट सेफ है वो आपको मिलेंगे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ ये आज से तीन महीने पहले की बात है औरंगाबाद में एक बैंक डूबी जो मैं बचपन से जिस जो मैंने देखी है एंड ऑल ऑफ दैट राइट एंड मैं पेरेंट्स का सारा पैसा वहाँ पर है बट बिकॉज ऑफ़ द आर बी आई इंश्योरेंस और उन्होंने जैसे जैसे डिवाइड कर रखा था मोस्ट ऑफ दैट मनी दे विल गेट बैक राइट सो आर बी आई इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए लोगों को जो आज अपने बैंक में या छोटे मोटे बैंक में कि यार में इस ब्रांच मैनेजर को जानता हूँ या इन लोगों को जानता हूँ और वहाँ पर पंद्रह बीस पच्चीस तीस लाख रुपये तक का पैसा रख रहा है वो काफ़ी रिस्की है बिकॉज़ अगर कभी कुछ बैंक के साथ कुछ हो जाए आपको सिर्फ पाँच लाख मिलेंगे राइट सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अलोंग विद द हाइएस्ट इंटरेस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मतलब पचास लाख एफडी में नहीं डालने चाहिए पचास लाख एफ में डालने चाहिए बट एक बैंक में नहीं डालने चाहिए डिवाइड कर में रिटर्न रेट रफली सेम होती है बहुत वेरी करता है कुछ बैंक्स छह परसेंट देते हैं कुछ बैंक्स नौ परसेंट देते हैं राइट right? सो so, ये काफी वेरिएशन uh, आपको मिलेगा अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो नौ परसेंट वाले बैंक है अगर मेरा मानना ये है कि अगर पांच लाख तक का इंश्योरेंस आर हर बैंक में देता है तो बैंक का नाम एक्स हो या बैंक का नाम वाई हो इससे फर्क नहीं पड़ता हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो बैंक सबसे अच्छा है पांच लाख तक का एफ करने के लिए राइट right? अब वो जो हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है बैंक वो ढूंढने का टास्क इस दो से तीन हफ्ते का काम राइट right? वो हम सिम्प्लीफाई कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे ऐप आप पर आपको 200 बैंक के रेट्स मिलेंगे आप तुरंत आओ हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देख लो हमारे पास 9.1 तक के एफ हैं है जो रेट 9.1 परसेंट दे रहे हैं और आप तीन मिनट में बुक कर सकते लोग हैं। 6 परसेंट वाले ऑप्शंस को क्यों चुनते हैं ट्रस्ट की बात है कि लोगों को लगता है कि आ, मेरे पास ब्रांच है तो भले ही छह परसेंट मैं यहाँ कर लूंगा या फिर ये नाम मैंने बहुत बार सुना हुआ है तो मैं यहाँ कर दूंगा जज्बातों का खेल है। हाँ तो वो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल आ गया है मैंने होम लोन लिया था एस से बिकॉज मेरे डैड का था कि यार होम लोन तो एस से ही लो क्यों? भले ही शायद कोई और दूसरी बैंक कम दे रही हो बिकॉज जज्बात है उन्होंने हमेशा देखा यार कि इसके साथ कुछ नहीं होगा राइट right? ये हमेशा सही सर्विस देंगे वॉड एवर अलग अलग रीज़न्ग अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं आज हमारे प्लेटफॉर्म से और छोटे छोटे सिटीज़ से आते हैं उनको ये पता होता है कि यार पाँच लाख तक का इंश्योरेंस है वो स्मार्ट है कि जहाँ पर एक बैंक में उन्होंने पच्चीस लाख डाल रखे हैं उन्होंने उस बैंक में सिर्फ पाँच लाख रखा और बाकी के जो बीस लाख रुपए वो अलग अलग चार बैंक में डाले राइट जहाँ पे आपके रिटर्न्स भी बढ़े हैं जगह पे अभी नौ परसेंट कमा रहे और पैसा सेफ हैवर्नमेंट hmm. okay. so है के, से, के सपोर्ट की वजह से बहुत पॉसिबल है आर right? बी okay. का ये पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस करना इज अ वेरी बिग मूव मतलब हम बेसिकली एक छोटे भाई छोटे बहन के परस्पेक्टिव से ज्ञान बांट रहे हैं मुझे इसे इस लगता है कि आई थिंक एफ डीज वाला जो पैसा है फैमिलीज के पास वो सबसे हार्डअन मनी होता है लोग बहुत इमोशनल होते हैं एफडी पैसों के लिए सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप डिसीजन लेते हो तब थोड़ा देख परख के डिसीजन लेना चाहिए जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा स्टेबल मनी ऐप हेल्प अ लॉट राइट सो बस वही चीज़ है ओके okay. पता है जब मैं चौबीस पच्चीस साल का था जब मुझे एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कम पता था तब मैं हंसता था एफ पे शायद एज के साथ पता चला मुझे उसका महत्व लोग लोगी मेंटालिटी ऐसे क्यों है एक तो इम्पॉर्टेंट ये था कि चार पाँच साल पहले रेट्स काफ़ी कम थे राइट और अगर आप टैक्सेशन निकाल लो उसमें से थर्टी परसेंट या ट्वेंटी परसेंट या जो भी दस परसेंट टैक्स लगता है उसके बाद बहुत बार आपकी एफ डीज़ इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती इसका मतलब ये था कि आपने अगर सौ रुपये रखा है राइट इन्फ्लेशन अगर पाँच परसेंट है राइट तो आइडियली आपका पैसा अगले साल एक के ऊपर जितना बनेगा उतना आपका रियल इनकम है राइट right? बट वो पैसा बनता नहीं था बिकॉज़ एफ के रेट्स कम थे टैक्स कटने के बाद क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था जो बैंक्स हायर एफ इंटरेस्टेड दे रहे हैं एक्सेस बस वही था कि यार मेरे दो किलोमीटर के विसिनिटी पे कौन सी ब्रांच है मैं वहाँ जाके कर एफ डी आज लोगों के पास एक्सेस है कि वो इंडिया के किसी भी बैंक में एफ घर बैठे कर सकते हैं राइट right? तो मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है जो पहले नहीं था दूसरा बहुत बीच में आई थिंक लोगों ने यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पर बोला है कि एफडी अच्छी नहीं है राइट बट एफ डी हैज़ पास दैट टाइम ऑफ टेस्ट की आर हमेशा एफ डी इज़ दैट सेफर एसेड दैट यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन आई थिंक विद दिस विजन वी आर थिंकिंग की आर ये प्रोडक्ट जो इंडिया का सबसे फेवरेट एसेड क्लास है इसको चेंज करना है ये एज के साथ पता चलता है कि सेफ एसेड्स बहुत जरूरी होती है लाइफ में right. जब यंग होते हो यू डोंट लुकेट लाइफ दैट वे राइट

आपने सचिन बंसल के साथ बहुत डीपली काम किया है राइट आप काफ़ी सारे ऑन्ट्रप्रनोर्स को देश के सबसे जो महान ऑन्टरप्रेनोर हैं उन्हें जानते हो पर्सनली जैसे कि मैंने पहले कहा ऑन्ट्रप्रिनरशिप हर किसी के बस की बात नहीं होती पर्सनल फाइनेंस बढ़िया है पर लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि पैसे बनाते कैसे है बड़े पैसे कैसे बनाते हैं विराट कोहली ने अगर आपको ये सिखाया कि कवर ड्राइव कैसे मारते हैं आपको कुछ फायदा नहीं होगा राइट right. पर अगर विराट कोहली ने आपको ये सिखाया कि उन्होंने कवर ड्राइव कैसे अच्छे से सीखी उससे आपको फर्क पड़ा एब्सोल्युटली तो ये बताइए कि सचिन बंसल आ, भावेश इन सारों के साइकोलॉजिकल साइड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए yeah. कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था वो इतने बड़े ऑन्टरप्रेन इतने बड़े इन्वेस्टर्स बने कैसे right. क्योंकि अगर लोगों ने ये थोड़ा सा अपना लिया उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी बेसिक राइट सी आई थिंक द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको स्कूल और कॉलेज में जो फॉर्मूले सिखाए याद नहीं है जी बट हमको स्कूल और कॉलेज की स्टोरीज याद है और ये चीज़ मैंने पर्सनली सीखी है जब सचिन के साथ काम किया है राइट right? कि आप कैसे एक आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी स्टोरीज को समझो इमोशनली पर्सनली right? सचिन बंसल है कौन यही वही कॉन्टेक्ट दीजिए ओके आई आई थिंक सचिन बंसल जिन्होंने इंडिया में स्टार्टअप कल्चर लाया फ्लिपकार्ट बनाई फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाया और आज एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं बट फ्लिपकार्ट में जितने लोगों ने काम किया है उसमें से कम से कम 200 से 300 सौ स्टार्टअप्स और बड़े बने हैं उसके बाद राइट तो बहुत बड़ी फ्लिपकार्ट ही एक स्कूल थी स्टार्टअप्स की मतलब दो... है कपिल देव ने क्रिकेट के लिए किया सचिन बंसल ने स्टार्टअप Start के, के लिए के किया, किया इंडिया में मेरा मानना है जी सो uh, सो so, uh, so वो है सचिन आई थिंक और मैंने जो उनके साथ दो ढाई साल रह के uh, सीखा है कि आप सामने वाले के uh, जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे समझो और कैसे सॉल्व करो ये बहुत uh, ज़रूरी है राइट right? अगर एज अ डॉक्टर मैं आपका प्रॉब्लम समझू और आपको दवा दे दूँ इज़ नॉट द सोल्यूशन मैं आपका प्रॉब्लम समझूं आपका इमोशनल क्वेश्चन समझूं और आपको इम्पोर्टेंस बताऊं कि यार इस दवाई का इम्पॉर्टेंस क्यों है और अगर आप नहीं लोगे तो क्या होगा थोड़ा फियर थोड़ा इमोशन तब आप बोलोगे मेरी मॉम दवाई नहीं लेती है राइट कितना भी प्रॉब्लम हो जाए जब तक कोई फियर नहीं डालता है राइट सो वही एक कॉन्सेप्ट है कि यार आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझना ज़रूरी नहीं है आपका उसका नीचे का इमोशनल क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी है कस्टमर का कि वो ऐसा क्यों बिहेव करता है Uh, तो आई थिंक ये चीज़ मैंने समझी और मैंने ये देखा है कि जितने भी ऑन्ट्रप्रिनर्स है सक्सेसफुल uh, या फिर जिन्होंने बहुत कोशिश की है अनफॉर्चुनेट नहीं कर पाया एक स्किल सेट बहुत अच्छा है इस कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ो राइट right? और उन टुकड़ों को फिर बाद में उनके सोल्यूशन निकाल के कैसे जोड़ के एक सोल्यूशन बना पाओ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है ये जो स्किल सेट है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये आप दूसरे लोगों से भी सीख सकते हो राइट right. टीचेबल स्किल सेट आई इबल अभी हम इंजीनियरिंग की बातें कर रहे थे ये हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है इसलिए इंजीनियर्स फिर सारे इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं राइट right. मतलब right. ये सब जो भी कैमराज है लाइटें हैं right. ये मैंने कॉलेज में नहीं सीखी ये मैंने खुद से सीखी है सीख सकते हो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में यही हुआ है कि हमको कभी बताया नहीं कि ये सारी चीजें डिफाइंड है जी अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे अनोन्स आ गए और हमने उन चीजों को आ, बहुत मुश्किल से सॉल्व किया है दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि यार चलो आगे कोई नई चीज आ जाए तो आपने कभी पॉडकास्ट नहीं किया बट आज आप कर रहे हो राइट right? बिकॉज एक नई चीज़ आई आपने उसको अडॉप्ट किया और सॉल्व किया सो so मुझे लग रहा है आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सीख सकते हो बट अगर आप ये पूछोगे कि

के साथ मैंने देखा सारे इंजीनियर्स नहीं पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़े से इमोशनली ब्लंटेड हो जाते हैं बट मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पे एक चीज बहुत जरूरी है कि आप जिनके साथ काम करते हो राइट या आप आपकी जो टीम के साथ काम करते हो या फिर आपके जो मैनेजर के साथ काम करते हो उनमें वो स्किल सेट होनी चाहिए hmm. देन आप कॉम्प्लीमेंट करते हो बहुत अच्छे से और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज जितने भी लोगों ने सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है उनको ये पता है कि क्या उनके स्ट्रेंथ्स है क्या उनके वीकनेसेस है और वो टीम अकॉर्डिंगली बनाते हैं hmm. राइट कि ये टीम अब मुझे और इन सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है समझना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं hmm. अब बोलिंग नहीं कर सकते हाँ तो एक बॉलर को साथ में रखो रहूस yes. इस पॉडकास्ट के इस फाइनल सेक्शन में मैं उस पहली बार स्किल को हाईलाइट करना चाहूँगा बेसिकली एम्पथी के बारे में बात करिए एम्पथी की बहुत बातें करते हैं हम शो पर एम्पथी मतलब दूसरे इंसान के जज्बातों को अच्छे से जानना राइट right. और फिर उनके जज्बातों को सॉल्व करना ठीक है ये बिज़नेस का कोर लॉजिक होता है आप कस्टमर के दिल को समझ रहे हो उस दिल के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ सर्विस बना रहे हो पर उसके साथ साथ टीममेट के भी दिल को जानना जरूरी है और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना जरूरी है यही होता है बिज़नेस और यही नहीं कर पाते लोग क्योंकि हर कोई अपने जज्बातों में फंसा रहता है एंड ये नेचुरल होता है एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट टीचबल मतलब ये मैंने बहुत सोचा कि इज एम्पति टीचेबल वगैरह वगैरह मेरा ये मानना कि शायद ये कुछ लोगों में होती है कुछ लोगों में नहीं होती है ये आर्मी के लोग भी कहते हैं कि लीडर्स ना पहले से होते हैं लीडर्स बनाए नहीं जा सकते ट्रेन किया जा सकता है लीडरशिप के लिए पर एक लीडर आपको बचपन में दिख जाएगा कि हाँ ये बंदा लीडर है राइट right. बट मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग, अलग अलग लीडर काम आता है एक लीडर जो थोड़ा सा लेस एम्पति है बहुत ब्रूट फोर्स है और बस काम करवाना जानता है वो एक स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेज में जहाँ पर आपको टीम बनानी है एम्पथी बनानी है कल्चर बनाना है कस्टमर्स के बारे में समझना है जो जीरो टू वन स्टेज होता है उस स्टेज में अलग लीडर चाहिए तो मुझे लगता है कि आ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको एम्पथी नहीं है तो नहीं चलेगा एक सही स्पॉट से सही पोजिशन से जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो ओके okay. इस पॉडकास्ट के एंड में आप कुछ कहना चाहोगे क्योंकि आई थिंक हमने एक करियर में एंट्रिंग भी दे दी है इस पूरे एपिसोड में नॉट हाँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें करनी थी बट ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन पर जब मैं 22 साल का था 21 इयर्स का था हमेशा मुझे थर्टीज़ के लोगों की खोज थी कि यार कोई थर्टीज वाला मिल जाए और मुझे बताए कि दुनिया में क्या चल रहा है क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पास वाले रिलेटिव हैं मम्मी पापा मामा चाचा इंटेंशन बहुत अच्छे थे पर उनके आइडियाज थोड़े से आउटडेटेड थे मुझे बहुत लोगों ने कहा यूट्यूब मत करो कुछ भी करो पर यूट्यूब मत करो बताओ आज अगर सुन लेते तो And ये आज का सच भी है बहुत बच्चों को गलत एडवाइस मिल रही है इसलिए ऐसे कॉन्वर्सेशन जरूरी होते हैं right. आ, पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल छोड़ना चाहिए हल्का सा कंट्रोल छोड़ना चाहिए feel, हाँ। तो मुझे लगता है कि वो पहला आठ दस साल अगर आप छोड़ दो I think they could achieve thousand X, hmm. जो वो आप चाहते हो कि वो अचीव करे उससे कई गुना अचीव कर सकते हैं hmm. और अभी तो बहुत एग्जाम्पल्स है पहले इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे uh, to see. Okay. Okay. बस यही थी आज की कॉन्वर्सेशन थैंक यू सो मचीर सुपर फॉन आई थिंक बहुत सारी चीजें प्लान नहीं थी आई होप यूर्स लाइक यू भाई थैंक यूंगन फ्रॉम यू अगेन थैंक यू थैंक यू सो मच तो दोस्तों था आज का पॉडकास्ट कहते कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है ना अगर आप यहाँ रह तो आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है और ये सच है काफ़ी हद तक मुंबई दिल्ली बैंगलोर में ये मैंने देखा है ना श्योर कि चेन्नई कोलकाता में भी पर मुंबई दिल्ली बैंगलोर में बातचीत ना एक अलग तरह की होती है पॉडकास्ट स्टार्ट करने की इंटेंशन यही थी कि जो बातचीत मुंबई में हो रही है दिल्ली में हो रही है बेंगलोर में हो रही है वही कॉन्वर्सेशन आप तक पहुँचे और जब हमें ऐसे कॉन्वर्सेशंस करने का मौका मिलता है ना एक अच्छी फीलिंग आती है ऐसा लगता है कि हम कर्तव्य के साथ हमारा करियर को आगे बढ़ा रहे मुझे बहुत मजा आया मैंने बहुत कुछ सीखा फिक्स डिपोजिट्स के बारे में पैसों के बारे में आई एम श्योर कि आपने भी सीखा होगा आज के पॉडकास्ट के थ्रू डेफिनेटली सौरभ जैन जैसे लोगों की आवाज़ और भारतीयों तक पहुँचनी चाहिए ये मेरा एक होप है मेक श्योर यू फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया इनके काम को फॉलो कीजिए इनके कंपनी को फॉलो कीजिए क्योंकि भारत बदल रहा है दोस्तों भारत बहुत अमीर होने वाला है आने वाले दस बीस सालों में और जब आप अमीर होंगे आपकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि ये जो पैसे कमाए हैं ना इसे मुझे मल्टीप्लाई कैसे करने तेज़ी से सिक्योर तरीके से वो आपको अब से जानना चाहिए तब के लिए अब से प्रेपरेशन स्टार्ट कीजिए यही मेरा मोटिवेशन है इस पॉडकास्ट को लेकर लॉट्स ऑफ लव सीखते रहिए पैसों को अच्छे से मैनेज करते रहिए और खुश रहिए लाइफ में TRS will be back very soon.